इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बांबू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूं। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूं। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दान। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अकलमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहो। परसों एक और बात कही थी, आई एम लिविंग सक्सेसफुली, आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली, यही ना? यू माइट बी लिविंग सक्सेसफुली बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई सक्सेसफुली, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच हम खड़े हैं। चलता हूं। ये बात आनंद को पता ना चले, मैं नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी। आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था, अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही हो? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलेन हैं? प्रणवी जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? हाँ। मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई है। या तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है, कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ए, ड्राइवर की तरह रहना। ए, मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो आओ। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम्हें एक लड़के से मिलवाना था। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया, उसे बात करनी है तुमसे। आओ। पापा मुझे बताए बिना ऐसे कैसे ले आए? सरप्राइज बताए नहीं जाते। आपकी बेटी एक लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे, इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा, सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बम डाल दूंगा। उसको बोलो वो डरेगा। चल जा गाड़ी में जाके बैठ। मुझको डराने चले दे। ए, तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आएगा क्या वो मैं नहीं जानता? अरे पहले लड़के को देख तो लो। चलो 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 देखो, वहां देखो।
आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। हाय। इनके पिताजी और मैं अच्छे दोस्त, कब से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था, आज जाके मिलवाने का मौका मिला है। आपने पहले से ही सोच लिया था? मुझे तो पहले से पता था। आप दोनों बात कीजिए प्लीज। चलेगा, मैं जरा आता हूँ। तुम यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हो क्या? हाँ। ओके। दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना कितना क्लीशेड है ना। दोस्ती रिश्तेदारी, ओ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तुम्हें ये पता था, इसलिए आए थे? मैं पहले हर चीज पता करता हूँ। और क्या पता है? नाम प्रणवी है, क्वालिफिकेशन बीटेक, फेवरेट प्लेस लद्दाख, पहाड़ पसंद है, पानी से डरती हो, मंगेश वड़ा पाव की मिर्ची भाजी, ढाबे की मटन बिरयानी, मोहम्मद अली रोड पर पाया सू, बेस्ट फ्रेंड भानु, गुस्सा आया तो चार दिन बातचीत बंद, गुच्चे के कपड़े, स्वरोस्की की वॉचेस, फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स, फेवरेट सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलता है भूखे गरीबों को खाना खिलाकर। इतना काफी है या और भी बताऊं? ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेस का एक उसूल है, सब कुछ पता करो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ये जानकारी मुझे किसी और के जरिए पता चली, लेकिन लड़की का फोन नंबर उसी से पूछना चाहिए। 96 वन सेकेंड, या 96031047622। परफेक्ट, आई टेक्स्ट यू। हाँ बाबा। आनंद, लड़की अच्छी है? हाँ अच्छी है। तो उसके पापा से बात कर लूँ? नहीं पापा, पहले वो लड़की मुझे तो पसंद कर ले। मुझे और टेंशन मत दो पापा, शादी तो उसी से होगी। ओके। क्या हुआ? मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था, हाँ? पापा मुझे उसी लड़के से मिलवाने ले गए। हाँ? उसने मेरे बारे में कितना कुछ पता कर लिया, अब मुझे और अच्छा लगने लगा। अच्छा। हेलो पंडित जी, लड़की की शादी करवानी है। सगाई और शादी का मुहूर्त बता दो। देख लिया, पापा को विलेन समझ रही थी ना, अब बताइए वो क्या है? हीरो है वो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो दाल ही सड़ीली लग रही है। है ना? बकवास मत करो। आपको पापा के बारे में कितनी गलत फहमी है माँ। मैसेज करते वक्त मैं प्यारे लिखती हूँ तो पता है ऑटो करेक्ट होके पापा आ जाता है, इतने प्यारे है। देखा, ऐसे हैं पापा। अच्छा। वन मिनट। हेलो। मैंने सुना तुम मेरे भैया से मिली और उन्होंने तुम्हें गुंडों से भी बचाया और तो और तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था लेकिन तभी। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे। लेकिन हाँ या ना जो भी है उसे बता देना, यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा है। आज सुबह ही उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसे हाँ कह तो दिया। क्या तुम उसके ऑफिस में गई थी? एक हफ्ते पहले ही उसकी नौकरी चली गई। अरे नहीं, तुझे पता नहीं पर मेरे पापा और तेरे पापा फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा को रिटायर हुए 6 साल हो गए। घर पर ही रहते हैं वो, उनका कोई दोस्त नहीं है। किसकी बात कर रही है तू? तेरे जाने के बाद तुझसे बात करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहा था वो, उसे नंबर दूं या ना दूं? ठीक है दे दे। ओके। पापा? एक बार शादी होने दो फिर देखते पैसे। पापा, उसका नाम क्या है? नाम मुझे बगैर ही हाँ बोल दिया, आनंद चक्रवर्ती। मैं हूँ स्वामी। वो करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक में अकाउंट खोल दो, पैसे बाद में डाल दूंगा। छोड़ना, जो पसंद है उसी से शादी हो रही है ना। मैं आपको एक बात बतानी है, मैंने जिसे देखा और पापा ने जिससे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ? एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो, और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया। मतलब तुझे दो लड़के पसंद है, उन दोनों को भी तू पसंद है क्या?
अब मैं क्या करूँ माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर, जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुन लेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? ए, अगर मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी की कंपनी से हकाल देता हूँ। तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊंगा? हम वैजाग का एक सेमेले हैं। पूरा का पूरा वैजाग हमारी मुट्ठी में है। इस एक सेमेले से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? क्या तुझे नहीं पता था कि ये एक्स एमएलए है? कितनी गंदी गोली है। थू। अरे अथर्व, बोला एक्स एमएलए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। पता नहीं ये एमएलए अपने आप को क्या समझते हैं यार। हेलो चक्रवर्ती। यस, हेलो। बेटे के बर्थडे पर उसे आपकी कंपनी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बेटे के बर्थडे पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी के कागजात बना लेना। और हाँ, वाइजाग में नया ब्रांच खोल रहे थे ना, जब वो खुल जाए तो बता देना। उसे भी ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप अपनी कंपनी के सीईओ तब तक हैं, वाइजाग ब्रांच जब तक ओपन नहीं हो जाती। आई एम हंग्री। संजय, वाइजाग ब्रांच का स्टेटस क्या है? सर वो एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, काफी डिले चल रहा है सर। संजय, मैन पावर बढ़ा दो, इक्विपमेंट्स भी बढ़ा सकते हो, मुझे डिले नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़के को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की। कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डालेगी। आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की अब बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं। तो भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हूँ अभी? और सर माओ मत बोल दो ना। सीधे मत बोलना,
बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठने, उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोलना है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिल कर रहे, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा और कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं, इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियाँ शिकायत करती हैं कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अभी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहुरानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबी। ये घर है ये किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, अब भी देखता हूँ इनको। बोलो, आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया। अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या, मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है, हीरोइन भी शर्मा जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। कौन है वो? परिवार के तो दो वक्त के रोटी के भी वांदे, कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी के अभी, अभी के अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर। स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो, ये लो बहुरानी अच्छे से पहनना। और दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया झपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला, कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सर, सैल्यूट का अचार डालू क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर, बाहर निकाल उसको। ए, खड़े खड़े क्या कर रहा है? शूट हिम, बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आपकी बेटी तो अंदर है सर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको रुको रुको। ओह माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है। लफड़ा हो जाता था, मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख कर अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा, आप यहाँ क्या मालिक, दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये दुश्मन थोड़ी है, तुम क्या समझोगे, इनके सामने खड़े रहने की औकात नहीं तेरी। मेरी बेटी इस गरीब बस्ती में नहीं, आपके साथ साक्षात कुबेर के साथ थी, ये मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। अगर आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा, रास्ते पर इकड़े शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है, मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज।
देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ, चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे स्वामी। काम धंधा क्या करते हो? जॉब था निकाल दिया, अब आवारा गर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो